Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12 ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस. टॉपिक जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो इनलैंड वाटरवेज के अंदर एक इलैबोरेटेड टॉपिक है, दैट इज द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे. इफ एनी वन ऑफ यू हैज विजिटेड अमेरिका, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, और इज इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी जो कि आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द ग्रेट लेक्स. वैसे तो बचपन में टू बी वेरी फ्रैंक मुझे मेरी मम्मी ने सुपरमैन हेल्प्स एवरी वन के नाम से वो सिखाया था. तो यहाँ पर एक लेक को छोड़ के, मिशिगन को छोड़ के, बाकी सारे ग्रेट लेक्स की अगर मैं बात करूँ तो लेक्स लाइक सुपीरियर, ह्यूरॉन, आया, ओंटारियो, ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं. सू कनाल और विलैंड कनाल जो नाम से फेमस हैं, ये दो कनाल हैं. इन कनाल से ये सारे लेक्स आपस में एक इनलैंड वाटरवे बनाते हैं. सो दे आर ऑल कनेक्टेड. इनफैक्ट सेंट लॉरेंस रिवर काफी फेमस रिवर है नॉर्थ अमेरिका की, उसकी एस्चुरी ग्रेट लेक्स के साथ मिलके एक स्पेशल कमर्शियल वाटरवे बनाती है जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका को सपोर्ट करती है. अब मैं यहाँ कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, पूरे कॉन्टिनेंट को सपोर्ट करते हैं. इस वाटरवे पे कुछ ऐसे एडवांस पोर्ट्स हैं जो कि ओशन पोर्ट्स की टक्कर में आ जाते हैं, सच एज डुल्यूथ एंड बफेलो. दीज आर सम एडवांस ओशन पोर्ट्स. वैसे तो शिप्स मॉन्ट्रियल तक जा सकती है, लेकिन डुल्यूथ और बफेलो में दे हैव टू गो अहेड एंड टेक ऑफ देयर कार्गो एंड ट्रांसफर देम इनटू स्मॉल शिप्स, क्योंकि वहां रैपिड्स वगैरह थोड़े से ज्यादा हैं सेंट लॉरेंस रिवर के. इस सीवे के कारण दोस्तों प्रोबेबली हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा एरिया इंडस्ट्रियली और इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा ग्रोथ ले चुका है. Today we know the advancement of America, we know the advancement technology of USA, Canada and all the region. So undoubtedly we know कि कहीं ना कहीं ये वाला सीवे, inland जो waterway है, it has proved significantly helpful. I hope now you got the crux. Still अगर कोई doubts है तो नीचे comment box में comment करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों. This is Kevin sir signing off. Take care. Bye bye.